हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड आईज मेकअप लुक, जो कि है पैरट ग्रीन। मेरे सब्सक्राइबर हैं ठलुआ की, जय जय द ठलुआ क्लब। मैं स्क्रीन शॉट ला दूँगी। उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैम प्लीज़ मुझे मेरा ईद का जो सूट है वो पैरट ग्रीन कलर का है। पता नहीं उन्होंने यही बोला था शायद, अगर मतलब मैं स्क्रीन शॉट ला दूँगी। उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट जो मांग की है मुझसे वो ये ही की है कि मैं उनके साथ एक पैरट ग्रीन कलर का एक आईज मेकअप लुक शेयर करूं। तो आज की वीडियो लेटेस्ट रहने वाली है क्योंकि ये रिक्वेस्टेड है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल रुमाना अनवार मेकअप आर्टिस्ट को। नीचे ही नाम लिखा है, अगर रेड है अब तक मेरा चैनल तो प्लीज़ कर दीजिए ग्रे प्रेस करके, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज मैं आपके साथ एक और छोटी सी बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ आपका, 5-7 सेकंड का और। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है अपना एक ब्लॉगिंग चैनल। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उसका आपके साथ लिंक शेयर भी कर दूंगी और साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भी सारी आईज मेकअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो व्लॉगिंग चैनल का मैं बात कर रही हूँ वो मेरा पर्सनल व्लॉगिंग चैनल है। मैंने उस व्लॉगिंग चैनल में शेयर करती हूँ अपने डेली की रूटीन। इस वक्त चल रहा है रमज़ान, सो रमज़ान में मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या क्या खाने में बनाने को आपको मिल रहा है, तो वो सब आपको दिखने वाला है मेरे इस व्लॉगिंग चैनल में। वीडियोस सारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी, सारे व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, और अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, कमेंट करके बताइए कि रमज़ान में आप लोग क्या क्या बना रहे हैं। तो जल्दी से जाइए ब्लॉगिंग विद रुमाना अनवार वाले चैनल पर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन। सो अगर ये तो रही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अब मेरे दूसरे चैनल की रिगार्डिंग, अब मैं आपके साथ ये लुक जो शेयर करूँगी रिक्वेस्टेड है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूँ यार, 2 मिनट मैंने आपकी यूँ ही ले लिए हैं। वैसे भी एक्चुअली मैं आईब्रो सेट नहीं कराती, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपके लिड का और ब्रो बोन का कलर मिल जाता है, तो रीज़न ये है मैं आईब्रो सेट नहीं कराती, जिसकी वजह से मेरा ये जो अपना यहाँ के थोड़े से जो हेयर हैं आईब्रो के वो नहीं निकले, तो मैं आईब्रो सेट नहीं कराती, रीज़न यही है। तो मैं आपको सारे स्टेप बता दूंगी, लेकिन कि हाइलाइटेड कहाँ करना है क्या नहीं, बहुत इजी होने वाला है ये। 2 या 3 कलर के साथ मैं इसको इजी फटाफट आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट माई वीडियो और इन्जॉय कीजिए मेरी इस वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लिया है कंसीलर, और मैंने कंसीलर को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया, पहले लगाया है, उसके बाद मैंने एक बैड ब्यूटी ब्लेंडर से उसे स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करूंगी अपने एक कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अफोर्डेबल हो, आपको अच्छे लगते हैं, आपकी स्किन को सूट करते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद मैंने लिया है एक ओशियन ग्रीन कलर, जिसे हम फ्रोजी कलर भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये SFR की पैलेट ली है, जिसे मैंने डेप्थ देने के लिए अपना एक फ्रोजी कलर लिया है, जिससे कि मैं अपने इस पर डेप्थ दे सकूं। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं अपना सेकेंड कलर अप्लाई करूँगी, जो कि है मेरा एक सी ग्रीन कलर। थोड़ा सा लाइट शेड मैं पहले इसलिए इस्तेमाल करूँगी ताकि हम लोग अपने आँख को डेप्थ दे सकें और एक कलर अलग से उभर कर आ सके। और उसके बाद मैंने हल्का से ब्राउन शेड लिया है, जो कि ट्रांसलूसेंट शेड कहलाता है, जिससे कि डेप्थ को अच्छी सी एक लुक मिल जाता है। हाँ, मैंने उसके बाद ये दोनों ही कलर मिलाकर अपने एक फ्लैट ब्रश से लिए हैं। दोनों ही ग्रीन कलर हैं, दोनों पैरट ग्रीन कलर बोल सकते हैं। एक थोड़ा सा हल्का शेड है, एक डार्क शेड है। मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से दोनों ही ग्रीन कलर को ले लिया है, और मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेकर अपने आईलिड पर उसको अप्लाई करूँगी। मैं थोड़ा सा एक विंग से निकाल रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में उसको क्लियर कर दिया। अब मैंने एक अपने ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लैक कलर लिया है, और मैंने बाहरी कॉर्नर पर यानी आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा ब्लैक कलर लगाया है, और फिर उसको ब्लेंड करूँगी, और मैं लोअर लैश लाइन में भी हल्का सा ब्लैक कलर को लगा दूँगी। सेम प्रोसीजर आपको नीचे यानी लोअर लैश लाइन पर भी करना है। और मैंने पहले आपको ग्लिटर आईलाइनर दिखा दिया, लेकिन पहले मैं आईलाइनर ब्लैक आईलाइनर NYBA का अप्लाई करूँगी। विंग लाइनर मैं नहीं बनानी, इसमें नॉर्मल मैंने एक लाइनर बनाया है, उसके ऊपर मैंने एक अपने ग्लिटर लाइनर का यूज़ किया है, आप देख सकते हो स्टेला का है ये ग्लिटर आईलाइनर।
और मैंने अपने लिड के ऊपर भी एक लाइनर को क्रीज लाइन पर लगाया है। उसके बाद मैंने VLCC का काजल यूज़ किया है, मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है, और मैंने जितना भी फॉल आउट हुआ था मैंने गुलाब जल से कॉटन में लेकर उसको साफ़ कर दिया था। इनर कॉर्नर पर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी जिससे कि मेरा लुक तैयार हो जाए। तो मैं आपके साथ दोनों लुक शेयर करूंगी। ये है मेरा बिना आई लैशेज वाला लुक, और अब मैं आपको दिखाती हूँ आई लैशेज के साथ आपको कितना डिफरेंस दिखेगा इसमें। विदाउट आई लैशेज है, मैं लैशेज आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब मैंने जो लुक दिखाया था वो विदाउट आई लैशेज था, ये है मेरा आई लैशेज के साथ, ये है मेरा फाइनल लुक। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी मेरी वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।